नेक्स्ट आई न्यूज़, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्टार लाइफ में। जानते हैं आप, हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम आपको रूबरू करवाते हैं उन खबरों से जो सितारों की जिंदगी में हो रही होती हैं। दरअसल सितारे जहां पर आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, तो क्या सच में वो ऑफ स्क्रीन भी उतने ज्यादा ही खुश हैं, या फिर क्या कुछ उनकी जिंदगी में चल रहा है। दरअसल आज हम यहां पर बात करने वाले हैं नवाब पटौती की, यानी कि सैफ अली खान की। जी हाँ, नवाबों के परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान जो अक्सर ही खबरों में छाए रहते हैं। सैफ कभी अपने बेटे तैमूर को लेकर लाइमलाइट बटोर रहे होते हैं, तो वहीं कभी अपनी पत्नी करीना कपूर को लेकर। मगर हाल ही में मानो ऐसा लग रहा है कि अब सैफ के फैंस के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। कहीं ना कहीं वो झटका सैफ अली खान के लिए भी है। यकीनन जब ये खबर अब तक करीना को मिल चुकी होगी और करीना भी शॉक्ड रह गई होंगी। क्या कुछ ऐसा बड़ा झटका है, आप इस हमारे प्रोग्राम में जानेंगे। मगर आपको उससे पहले बता दें कि फैंस जो हैं सैफ अली खान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सैफ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। हालांकि सैफ अली खान जो हैं वो एक वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या झटका उनके फैंस को अब लगने वाला है, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। सैफ एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जो नवाबों का परिवार है, और हर कोई जानता है कि उनके परिवार को शुरू से काफी इज्जत भी मिलती आई है। वहीं सैफ अली खान भी इन दिनों काफी सारी वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, मगर हाल ही में ऐसा लग रहा है कि सैफ के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। जी हाँ, सैफ अली खान को अब एक और बड़ा झटका मिल गया है। दरअसल सैफ के पास इन दिनों फिल्मों में मनचाहा काम नहीं है। वेब सीरीज में भी निर्माता निर्देशक उनके लिए रुकने के लिए अब तैयार नहीं हो रहे। जी हाँ, कहीं ना कहीं यही वजह है कि सैफ को लेकर गो गोवा गॉन जैसी चर्चित फिल्म बनाने वाले निर्देशक राज डीके ने अपनी वेब सीरीज द फैमिली मैन के लिए इस दोस्त की जगह मनोज बाजपेयी को लेने में देरी नहीं की। जहां पर इस फिल्म को पहले सैफ अली खान करने वाले थे, मगर बाद में डायरेक्टर का मूड बदल गया और इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जगह ले ली। आपको बता दें कि इस निर्देशक जोड़ी ने हाल ही में बताया है कि अपनी वेब सीरीज में वो पहले सैफ को लेना चाहते थे, मगर परंतु जैसे उन्हें पता चला कि सैफ बाकी वेब सीरीज कर रहे हैं और सैफ एक वेब सीरीज द सेकंड गेम्स में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मनोज बाजपेयी को साइन कर दिया। आपको बता दें द फैमिली मैन का किरदार एक एंटी लिंच अफेयर पर है जो अपने परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है। सीजन की शूटिंग कोची, मुंबई और हाल ही में कश्मीर में हुई। ये थ्रिल ड्रामा राज डी के अंग्रेज प्राइम के लिए बना रहे हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं सैफ अली खान को उम्मीद थी कि ये जो वेब सीरीज है वो उन्हें मिलेगी, जहां पर डायरेक्टर ने भी इस बात के लिए कहा था कि ये वेब सीरीज उन्हीं को मिलेगी, मगर बाद में ये वेब सीरीज मिल गई मनोज को। देखा जा रहा है कि सैफ अली खान जो है बॉलीवुड में भले ही उन्होंने तमाम फिल्में की हैं, बॉलीवुड में उन्होंने कई सुपर हिट फिल्में भी दी हैं, तो ऐसे में हर कोई ये देख रहा है कि सैफ अली खान अब एक ऐसी बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं जिससे मानो उनका जो स्टारडम है, उनका जो ट्रैक है वो अपनी पटरी पर आ जाए। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर देखा भी गया कि करीना कपूर जो है वो भी अपने पति के सक्सेस को लेकर, अपने पति की फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चिंता में भी दिखाई दी। तो ऐसे में जहां पर अब एक और बड़ा झटका सैफ अली खान को लगा, जहां पर वेब सीरीज में सैफ अली खान दिखाई तो दे रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, मगर मानो अब ऐसा लग रहा है कि शायद सैफ को अब कुछ ऐसा बड़ा करना होगा, ऐसी कोई बड़ी फिल्म साइन करनी होगी जिसे डायरेक्टर
जो है उनको अपने आप ही बुलाए। मगर कहीं ना कहीं ये सैफ के फैंस के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि सैफ के फैंस भी उन्हें देखना चाहते हैं, चाहे वो एक वेब सीरीज हो या फिर बड़े पर्दे पर ना हो। वेब सीरीज का चलन भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारे भी यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा मानो प्लेटफॉर्म बन गया है जो बड़े पर्दे की तरह ही है, लोग काफी ज्यादा वेब सीरीज को भी पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर एक उम्मीद थी कि सैफ अली खान वेब सीरीज में दिख सकते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है ये वाली वेब सीरीज में वो गोवा गॉन में सैफ अली खान अब नहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सैफ अली खान जो है ज्यादातर टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, ज्यादातर टाइम जो है वो अपनी फैमिली से गेट टुगेदर करते हैं, एक बेस्ट हस्बैंड के तौर पे भी सामने आए हैं। मगर अब मेन मुद्दा जो है वो ये है कि आखिरकार कब सैफ को एक बेहतर फिल्म मिलेगी, कब सैफ अली खान जो है वो अब वापिस से एक बारी दोबारा से बड़े पर्दे पर धमाल करेंगे। अगर बड़े पर्दे को एक साइड कर दे तो वही वेब सीरीज का जो चलन चल रहा है, अब ऐसे में जो उनके हाथ से वेब सीरीज चली गई है, ऐसे में अब रिएक्शन देखना होगा किस तरह से रिएक्शन सामने आएगा सैफ अली खान का और साथ ही साथ उनकी पत्नी करीना का, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों को ये झटका जरूर लगा होगा। तो बात करें उनकी पत्नी करीना की, तो उनकी हाल ही में फिल्म वीरे दी वेडिंग सामने आई थी और कहा जा रहा है कि करीना जो है वो अपनी दूसरी फिल्म भी साइन कर चुकी है, जो बेहद ही जल्द उसमें भी वो किरदार निभाती हुई दिखाई देगी। तो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्टार लाइफ में, जहां पर यहां हमने बात की सैफ अली खान को लेकर। जी हां, आपने जाना कि कौन सा ऐसा बड़ा झटका सैफ को लगा है। दरअसल सैफ अली खान, जहां पर उनके हाथ में एक नई वेब सीरीज भी थी, गो गॉन गोवा गॉन इस नाम से ये वेब सीरीज थी, जहां पे पहले इस वेब सीरीज में सैफ अली खान को साइन किया गया था, मगर बाद में डायरेक्टर ने सैफ का पत्ता ही इस वेब सीरीज से साफ कर दिया। दरअसल इस वेब सीरीज से सैफ को इसलिए निकाला गया कि जब डायरेक्टर को पता चला कि सैफ ऑलरेडी किसी वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें लेने से ही इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं सैफ अली खान के लिए ये काफी बड़ा झटका है, कहीं ना कहीं फैंस के लिए भी ये काफी बड़ा झटका है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि सैफ जो है वो अब दिखाई दे, यानी कि या तो बड़े पर्दे पर दिखाई दे या फिर जो दौर शुरू हो चुका है वेब सीरीज का, उन वेब सीरीज में वो ज्यादातर दिखे। अब तक सैफ अली खान एक ही वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में जहां उनके हाथ में दूसरी वेब सीरीज थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि वो वेब सीरीज भी उनके हाथ से छिन चुकी है। कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका है करीना के लिए भी, सैफ के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड में भी कंपटीशन की दौड़ दिखाई दे रही है, ऐसे में वहां भी जो सितारे पहले अपना नाम कमा चुके हैं, उस नाम को मेंटेन रखने के लिए उन्हें दौड़ना भी पड़ेगा। जहां पर तमाम स्टार किड्स अब कदम रख रहे हैं, तमाम तरह के जो सितारे हैं वो आगे आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सैफ अब एक बड़े ब्रेक का शायद इंतजार कर रहे हों, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि कब सैफ बड़े पर्दे पर दोबारा पहले जैसा धमाका मचाएंगे, या तो वेब सीरीज में वो कुछ धमाका मचाए। खैर, देखना होगा कि कब तक सैफ अली खान जो है अब वापिस अपने फॉर्म में आते दिखाई देंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।